नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे सार्वभौमिक विद्या यूट्यूब चैनल पे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। पिछली कक्षा में हम संधि प्रकरण पढ़ रहे थे, तो आज हम संधि के बारे में ही पढ़ेंगे। संधि, तो संधि के अंतर्गत पिछली कक्षा में साफ नहीं चल रहा, ये पिछली कक्षा में हमने संधि के अंतर्गत देखा था। संधि के प्रकार, तीन प्रकार हमने उनसे पहचान की थी, तीन प्रकार के बारे में। और तीन प्रकार के बाद में जो संधि के तीन प्रकार थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और दीर्घ संधि, उसके अंतर्गत हमने स्वर संधि देखी थी। क्या देखी थी? स्वर संधि। तो स्वर संधि के अंतर्गत उसके विभाग भी हमने किए थे। स्वर संधि में आज जो स्वर संधि के हमने पांच भाग किए थे, कितने भाग किए थे? पांच भाग। उनमें जो सबसे पहला है वो है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत हम देखेंगे आज कि दीर्घ स्वर संधि कौन सी होती है। इसमें देखो, दीर्घ का मतलब, जैसा कि आपको शब्द से ही पता चल रहा है, दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो आपने स्वर भी पढ़े थे, हसु स्वर और दीर्घ स्वर। तो ये जो संधि है ये स्वरों से संबंधित संधि है, और स्वरों से संबंधित आप पढ़ चुके हैं जो दीर्घ स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है और ए आई है और ओ, ये कौन से स्वर होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। तो ये जो संधि है दीर्घ स्वर संधि, इसके अंतर्गत क्या होगा? जो वर्ण आपस में मिलेंगे वो कौन कौन से होंगे? जो ह्रस्व स्वर है वो आपस में मिलेंगे या फिर दीर्घ स्वर है वो आपस में मिलेंगे, लेकिन जब मिलने के बाद में जब नया शब्द बनेगा उसमें जो वर्ण बनेगा वो दीर्घ वर्ण होगा। कैसा वर्ण होगा? दीर्घ वर्ण होगा। जैसे अभी अपन देखेंगे कौन कौन से वर्ण मिलते हैं, तो उसमें सजातीय वर्णों, स्वरों का मिलन कह सकते हो आप, सजातीय स्वरों का मिलन। क्या होता है इसमें? सजातीय, सजातीय का मतलब एक ही जाति के स्वर, एक ही जैसे शब्द, एक ही जैसे शब्द जब आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सजातीय स्वरों का मिलन। अब कौन कौन से होते हैं? जैसे अ या आ, अ या आ के बाद में क्या आ जाए? अ या आ। सजातीय का मतलब आप देख रहे हो ना, सेम टू सेम, ये अ आ और ये आ, यानी अ आ के साथ में क्या मिलेगा? अ और आ, तो बराबर क्या होगा? आ, आ इसका दीर्घ रूप है, चाहे हो सकता है वो अ और अ मिले, लेकिन अ और अ मिलकर के क्या होंगे? आ, क्या होंगे? आ। उसके बाद में अ आ के बाद में क्या आता है? छोटी ही या बड़ी ई, ये भी सजातीय है, छोटी ही या बड़ी ई। अब इसमें ये होता ही है, छोटी ई के साथ छोटी ही मिल सकती है, छोटी ई के साथ बड़ी ही मिल सकती है, बड़ी ई के साथ में छोटी ही मिल सकती है, लेकिन जो परिणाम होगा जब दोनों स्वर आपस में मिलेंगे तो जो नया स्वर बनेगा वो क्या होगा? दीर्घ रूप होगा। क्या होगा? दीर्घ स्वर होगा, दीर्घ रूप होगा। इसीलिए इस संधि को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। या फिर उसके अलावा उ या उ, छोटा उ या बड़ा उ प्लस छोटा उ या बड़ा उ, बराबर क्या होगा? बड़ा उ। क्या होगा? बड़ा उ होगा। या फिर एक और होता है री, री के साथ में री का मिलना, ये भी समान है, सजातीय स्वर है, उसका क्या हो जाएगा? बड़ी री। क्या हो जाएगा? ये जो बड़ी री होती है जिसमें आपको एक राउंड ज्यादा लेना पड़ता है लिखने के हिसाब से, तो ये आपके दीर्घ स्वर संधि है। जब भी इनके शब्द मिलेंगे तो ये इस तरीके से मिलेंगे, यानी कि आप ये कह सकते हो नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन और नंबर चार, चार प्रकार से सजातीय स्वरों का इसमें मिलन होता है। अब अपन प्रत्येक प्रकार के जो महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो परीक्षा में आ सकते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट है, उनको अपन देखने का प्रयास करेंगे। तो ये कुछ उदाहरण है जिनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अ और आ के बाद में, नंबर चार भाग अलग अलग अपन ने किए दीर्घ संधि के, अ आ के बाद में, अ आ के बाद आने पर दीर्घ रूप हो जाता है ई, मतलब सजातीय शब्द जब आपस में मिलते हैं तो उनका दीर्घ रूप हो जाता है आ ई उ और री। तो सबसे पहले अपन नंबर एक, अ आ के बाद में अ आता है तो क्या हो जाता है? आ। इसके कुछ उदाहरण जो महत्वपूर्ण उदाहरण परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण है, मैंने आपको ये जो उदाहरण लिखवाए हैं, लिखवाने का मतलब ये है कि आपको समझ में भी आ जाए कि
दीर्घ स्वर संधि कौन सी होती है, और दूसरी बात यह है कि अगर आप इनको अच्छे से पढ़ोगे तो संभावना है परीक्षा में इनके आने की। मैंने छांट छांट के इनमें से निकाले हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण अपने यहाँ जो लिया है वो लिया है दैत्य प्लस अरि, दैत्य प्लस अरि। तो आप यहाँ देख सकते हो यह के बाद में जो स्वर आ रहा है वो कौन सा स्वर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, और ये अरि में मैंने आपको बताया था इस संधि में क्या होगा, इस तरफ तो क्या होगी, ये जो इस तरफ है इस तरफ होगी मात्रा और इस तरफ स्वर लिखा होगा। इस तरफ तो अ की मात्रा है, अ आपको लिखा हुआ कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन इस तरफ आपको अ लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ अ आ रहा है और उसके बाद में यहाँ भी क्या आ रहा है, अ। तो मैंने आपको बताया ये जो दीर्घ स्वर संधि है इसमें अ और अ मिलकर के क्या बनते हैं, आ बनते हैं। चाहे आ और आ हो तो भी आ होगा, चाहे अ और आ होगा तो भी क्या होगा, आ होगा। तो यहाँ देते यहाँ दे त के बाद में अ की मात्रा आ रही है और यहाँ अ खुद आ रहा है और अ मिलकर के क्या बन गए, आ। तो यानी यह के पीछे किसकी मात्रा लगेगी, आ की। तो दैत्य प्लस अरि, दैत्य का मतलब होता है दानव और अरि का मतलब होता है दुश्मन, है ना। दैत्य प्लस अरि तो ये हो गया दैत्यारि, क्या हो गया दैत्यारि यानी दानवों का दुश्मन। उसके बाद में अगला अपन ने लिया है बिल्कुल सरल, कई बार उदाहरणों में मैंने आपको बताया था विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य। तो यहाँ आप देखो कि यहाँ जो स्वर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, विद्या के बाद में आ आ रहा है, कौन सा आ रहा है, आ। और यहाँ भी कौन सा आ रहा है, आ। आ और आ मिलकर के क्या होंगे, आ ही होंगे। तो विद्या प्लस आल्य का क्या हो गया, विद्यालय, क्या हो गया, विद्यालय। उसके बाद में अगला दे रखा है धर्म प्लस आत्मा, क्या दे रखा है, धर्म प्लस आत्मा। अब आप देखो ये थोड़ा देखने वाली बात है, जैसे यहाँ मैं आपको थोड़ा साइड में लेकर के बता दूं, ये जैसे विद्यालय है ना, तो आप ये सोचते होंगे कि ये कैसे बना, विद्या प्लस आल्य, है ना। अब इनको जोड़ना कैसे है, देखो यहाँ जो मात्रा आ रही है विद्या, यहाँ आ की मात्रा है, किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, और यहाँ भी आ की मात्रा है। तो आ की मात्रा और आ की मात्रा दोनों मिलकर के क्या हो जाएगी, एक आ की मात्रा, यानी इसके पीछे आप मात्रा हटा लो, आपने विद्या के पीछे आ की मात्रा हटा ली तो ये हो गया विद्य, क्या हो गया, विद्य हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ ऊपर यहाँ कहीं आ की मात्रा आपने ले ली और लेने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ आ दिया हुआ है, तो यहाँ आ और आ मिलकर के क्या बनेगा, एक आ, क्या बनेगा, आ। आ का मतलब आ की मात्रा है, ये आ की क्या है, मात्रा। तो विद्या शब्द लिखा हुआ, अब ये व्यंजन यहाँ से हट जाएगा और आ की क्या लग जाएगी, मात्रा। और यहाँ इसको भी अपन ने उठा लिया, पीछे क्या बचा, ले, तो ले अपन यहाँ पर लिखेंगे। इस तरीके से ये जोड़े जाते हैं, इस तरीके से ये जोड़े जाते हैं। इसको बता देता हूँ मैं केवल आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि जुड़ते कैसे हैं। उसके बाद में अगला उदाहरण हमने लिया है धर्म प्लस आत्मा, क्या लिया है, धर्म प्लस आत्मा। तो धर्म या धर्म, माँ के बाद में अ की मात्रा है, यहाँ आ रहा है और आ मिलकर क्या बनेंगे, आ बनेंगे। धर्म प्लस आत्मा का हो गया धर्मात्मा। अगला उदाहरण हमने लिया है कुश प्लस आसन, कुश प्लस आसन। तो कुश प्लस आसन, यहाँ स दे रखा है, स के पीछे अ की मात्रा, यहाँ आ गया और मिलकर के क्या हो गए, सॉरी आ हो गए, और आ होने के बाद कुश प्लस आसन का क्या हो गया, कुशासन, क्या हो गया, कुशासन। उसके बाद कुशासन का मतलब, जैसे कुश जो शब्द होता है इसका मतलब होता है घास, क्या होता है, घास होता है, घास का बना हुआ आसन। उसके बाद वार्ता प्लस आलाप, क्या दे रखा है, वार्ता प्लस आलाप, यहाँ आ की मात्रा है, यहाँ आ की मात्रा है, आ और आ मिलकर के क्या बन जाएंगे, आ। तो ये हो जाएगा वार्तालाप, क्या हो जाएगा, वार्तालाप, कंजर्वेशन, आपस में बातचीत करना। परम प्लस आनंद, परम प्लस आनंद, तो माँ के बाद में आ की मात्रा है और यहाँ आ है, दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, आ बन जाएंगे। तो ये बन गया परमानंद। लगभग मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, बस आपको ये उदाहरण थोड़े अच्छे से याद रखने की जरूरत है। धर्म प्लस अधर्म, धर्म प्लस अधर्म, इसका हो जाएगा धर्माधर्म, क्या हो जाएगा, धर्माधर्म। अगला दे रखा है पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीन। तो यहाँ र के बाद में अ की मात्रा, यहाँ भी अ है, मिलकर के दोनों क्या बन जाएंगे, आ, और शब्द बन जाएगा पराधीन, क्या बन जाएगा, पराधीन का मतलब, पर का मतलब होता है किसी अन्य के, और अधीन का मतलब गुलाम, अधीन का मतलब क्या होता है, किसी और के, जो कोई व्यक्ति अगर किसी का और व्यक्ति का गुलाम है तो उसके क्या कहा जाएगा, पराधीन, क्या कहा जाएगा, पराधीन। अगला दे रखा है शरण प्लस आगत, तो यहाँ अ के पीछे अ की मात्रा या आ है, दोनों मिलकर के आ बन जाएंगे। तो शरण का शरणा हो जाएगा शरणागत, क्या हो जाएगा, शरणागत। अगला उदाहरण लिया हमने महा प्लस आशय, महा प्लस आशय, तो इसका हो जाएगा महाशय, क्या हो जाएगा, महाशय, क्योंकि आ की मात्रा है, आ और आ मिलकर के क्या बन जाएंगे, आ। तो वो ये अ है, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, जुड़ने की वजह से हो जाएगा महाशय। अगला दे रखा है रेखा प्लस अंकित, क्या दे रखा है, रेखा प्लस अंकित। तो यहाँ भी आ की मात्रा है और यहाँ अ है, दोनों आ बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा रेखांकित, क्या हो जाएगा, रेखांकित। उसके बाद में ये उदाहरण थोड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देना, विकल प्लस अंग, क्या होता है, विकल प्लस अंग। तो इसका ये ल के पीछे अ की मात्रा है, ये अ है, दोनों मिलकर के आ बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा विकलांग, विकलांग का मतलब आप हैंडीकेप जो व्यक्ति होता है उसके बारे में जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, विकलांग। अगला उदाहरण दे रखा है कृपा प्लस आकांक्षी, क्या दे रखा है,
कृपा प्लस आकांक्षी यानी कृपा की आकांक्षा रखने वाला, तो ये हो जाएगा कृपाकांक्षी। क्या हो जाएगा? कृपाकांक्षी। उसके बाद में जो दूसरा नंबर है हमने यहाँ लिया था ई और ई के बाद में ई का आना और बड़ी ई का बनना, तो वही उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। यहाँ आप देख सकते हैं पहला उदाहरण जो हमने लिया है वो लिया है अभी प्लस इष्ट, तो अभी यानी इसके अंतर्गत आप देखेंगे, यहाँ मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ अभी, है ना। अब इस भी में किसकी मात्रा है? यहाँ पर आप देखेंगे छोटी ही है, क्या है? छोटी है। और उसके बाद में अगला शब्द दे रखा है इष्ट, क्या दे रखा है? इष्ट, उसमें भी छोटी ही है, यानी छोटी ही और छोटी ही मिल जाएंगे तो बराबर क्या हो जाएगी? बड़ी ही। तो बराबर जब आप इसको लिखोगे तो अ अ के बाद में ये आधा भ है ना, आधे भ के बाद में आप छोटी ही छोटी मिलकर बड़ी ही होगी, तो ये क्या हो जाएगी? बड़ी ही की मात्रा और आगे स आधा और ट अभिष्ट, क्या बन जाएगा? अभिष्ट। इस तरीके से ये बनता है। तो अभी या ई की मात्रा ई छोटी ई की मात्रा है, दोनों मिलकर के बड़ी ही बन जाएगी, तो ये हो जाएगा अभी प्लस इष्ट का क्या हो जाएगा? अभिष्ट। उसके बाद अगला उदाहरण हमने लिया है गिरी प्लस ईश, क्या लिया है? गिरी प्लस ईश, गिरी का मतलब होता है पहाड़ या पर्वत, तो गिरी प्लस ईश, ई छोटी ई की मात्रा है या बड़ी ई है, छोटी ई और बड़ी ई मिल, चाहे छोटी ई और बड़ी ई मिले, चाहे बड़ी ई और छोटी ई मिले, चाहे दोनों छोटी हो चाहे दोनों बड़ी हो, लेकिन जो परिणाम है वो क्या होगा? बड़ी ई की मात्रा ही होगा। तो ये गिरी प्लस ईश मिलकर के क्या बन गया? गिरीश, यानी पहाड़ों का राजा, हिमालय कह सकते हो आप। अगला दे रखा है परीक्षा, क्या दे रखा है? परीक्षा। परीक्षा से आप सब लोग परिचित हैं अच्छे तरीके से, तो इसका जो आप जब इसको तोड़ेंगे संधि के रूप में तो इसका होता है परी प्लस इच्छा, क्या होगा? परी प्लस इच्छा, तो परी में ई की छोटी मात्रा या बड़ी ई है, तो मिलकर के दोनों बड़ी बन जाएगी, तो ये हो जाएगा परीक्षा। मुझे लगता है लगभग आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगला उदाहरण दे रखा है श्री प्लस ईश, क्या दे रखा है? श्री प्लस ईश, तो इसका क्या हो जाएगा? श्री, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी जी, श्री का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी जी से संबंधित है, यानी लक्ष्मी जी के जो ईश है, यानी श्री शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? विष्णु भगवान के लिए, तो ये यहाँ श्री में बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी ई इसके साथ जुड़ेगी तो बड़ी ई ही होगी, तो ये बन जाएगा श्री। अगला दे रखा है कवि प्लस इंद्र, क्या दे रखा है? कवि प्लस इंद्र, तो यहाँ ई छोटी ई की मात्रा है, ये भी छोटी ई, छोटी ई और छोटी ई मिलकर के क्या बन जाएंगे? बड़ी ई, तो ये हो जाएगा कविंद्र, क्या हो जाएगा? यहाँ आप देख सकते हैं वह के ऊपर बड़ी ई की मात्रा है। अगला इसमें दे रखा है नारी प्लस ईश्वर, छोटी ई बड़ी ई की मात्रा है, दोनों बड़ी ई और बड़ी ई और बड़ी ई अगर मिलेगी तो भी क्या होगा? बड़ी ई होगा, तो ये हो जाएगा नारीश्वर, क्या हो जाएगा? नारीश्वर। अगला उदाहरण है मुनि प्लस ईश्वर, मुनि प्लस ईश्वर यानी मुनियों के ईश्वर, तो मुनि में छोटी ई की मात्रा है लेकिन यहाँ बड़ी ई है, दोनों मिलकर के बड़ी ई बनेगी, तो क्या हो जाएगा? मुनीश्वर, यानी मुनियों के ईश्वर, जो ऋषि मुनि होते हैं उनके भी ईश्वर। अगला दे रखा है अभी प्लस इप्सा, अभी में ई छोटी है और यहाँ ई क्या है? बड़ी है, तो ये हो जाएगा अभिप्सा, क्या हो जाएगा? अभिप्सा। उसके बाद अगला उदाहरण हमने लिया है कपि प्लस ईश, कपि प्लस ईश, तो कपि का मतलब होता है बंदर, आप सब जानते हैं, और कपि कपीश किसको कहा जाएगा? जो बंदरों के राजा है अर्थात हनुमान जी को कपीश कहा जाता है। तो कपि में ई छोटी है और बड़ी मिलेगी, तो मिलने के बाद बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कपीश। अगला जो उदाहरण है वो है देवी प्लस इच्छा, देवी प्लस इच्छा, तो इसका हो जाएगा देवी में ई बड़ी है छोटी ई है, दोनों मिलकर के बड़ी ई हो जाएगी और ये हो जाएगा देवी इच्छा। इस तरीके से ये कुछ उसके उदाहरण है हमने देखे। उसके बाद अगला हम देखेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, यदि आप लिखना चाहें तो लिख लें, अन्यथा मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। लिखना हो तो आप इसको बीच में वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, आपका समय कम खराब हो इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। और अगले हम उदाहरण देखेंगे तीन नंबर में जो हमने दे रखा है ऊ और ऊ के बाद में ऊ का आना, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अभी आगे कुछ उदाहरण है ऊ और ऊ के बाद में ऊ का आना, यानी छोटा ऊ के बाद में चाहे छोटा ऊ आए, चाहे बड़े ऊ के बाद में बड़ा ऊ आए, चाहे छोटे के बाद में बड़ा आए, चाहे बड़े ऊ के बाद में छोटा ऊ आए, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जो अपन देख लेते हैं। ये भी ठीक उसी तरीके से है, सजातीय स्वर है, समान रूप से मिलते हैं। यहाँ दे रखा है ग्रुप देश, गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, तो यहाँ आप देख सकते हैं रू की मात्रा है और उसके बाद में क्या दे रखा है उपदेश, यानी यहाँ बड़ा ऊ है और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ बड़ा ऊ है और यहाँ छोटा ऊ, दोनों मिलकर के क्या होगा? बड़ा ऊ ही होगा, तो ये हो गया ग्रुप देश, क्या हो गया? ग्रुप देश। अगला दे रखा है सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, तो सु का मतलब होता है अच्छा और उक्ति का मतलब होता है कोई कथन या कोई बात, है ना, और इसका क्या हो जाता है ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा है यहाँ पे और यहाँ पे भी क्या दे रखा है छोटा ऊ, दोनों मिलकर के क्या हो जाता है बड़ा ऊ,
तो पहले उ की मात्रा छोटा, सु छोटा था, अब क्या हो गया बड़ा, तो ये हो गया सुक्ति। सुक्ति का मतलब होता है कोई अच्छी युक्ति, कोई अच्छी बात होती है, जैसे आप दोहा श्लोक वगैरह होता है उसको क्या कहा जाता है सुक्ति। तो ये सु प्लस सुक्ति। अगला दे रखा है लघुतम, क्या दे रखा है लघुतम, तो लघुतम को जब आप तोड़ेंगे तो होगा लघु प्लस उत्तम, क्या होगा लघु प्लस उत्तम। तो यहाँ छोटे ऊ की मात्रा है और छोटे ऊ के बाद में यहाँ छोटा ऊ जुड़ रहा है, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बन जाते हैं और ये हो जाता है लघुतम, क्या हो जाता है लघुतम। अगला उदाहरण है सिंधु प्लस उर्मी, उर्मी का मतलब होता है लहर, उर्मी का मतलब क्या होता है, उर्मी का मतलब होता है लहर, और सिंधु का मतलब होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, समुद्र या सागर या समुद्र। तो सिंधुर्मी, उर्मी का मतलब लहर और सिंधु यानी, सिंधु यानी कि समुद्र यानी सागर की लहर, सागर की लहर। तो यहाँ सिंधु प्लस उर्मी, यहाँ छोटे ऊ की मात्रा, यहाँ पे छोटा ऊ है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे बड़ा हो जाएंगे, तो ये शब्द बन जाएगा सिंधुर्मी, क्या बन जाएगा सिंधुर्मी। अब आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो हो सकता है सीधा आपको ऐसे दे, हो सकता है ऐसे दे दे, सुक्ति का संधि विच्छेद करें और संधि का नाम लिखें या संधि का नाम बताएं, या पूछा जाएगा कि सिंधुर्मी है, सिंधुर्मी सीधा शब्द दे दिया, आपसे पूछा जाएगा कि सिंधुर्मी का संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताएं, तो आपको ऑप्शन में चार अलग अलग ऑप्शन दे देंगे, अलग अलग तरीके से इनका विच्छेद किया होगा और अलग अलग संधियों के नाम दिए हुए होंगे। हम अभी स्वर संधि पढ़ रहे हैं, ये आपके ध्यान में रहे, और स्वर संधि का जो पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि वो हम पढ़ने जा रहे हैं। स्वर संधि के हमने कुल पांच प्रकार किए, कितने, पांच में से पहली संधि हम पढ़ने, स्वर संधि पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। अगला उदाहरण है भानु प्लस उदय, भानु का मतलब होता है सूर्य, भानु का मतलब क्या होता है सूर्य, उदय का मतलब आप सब जानते हैं, उदय का मतलब होता है उगना, ठीक है। तो भानु प्लस उदय यानी सूर्य का उगना, भानु में छोटे ऊ की मात्रा है और यहाँ भी छोटा ऊ है, दोनों मिलकर के क्या हो गया बड़ा ऊ, और यहाँ कौन से ऊ की मात्रा है न के ऊपर, आप न के नीचे देख सकते हैं बड़े ऊ की मात्रा है। अगला दे रखा है कटु प्लस उक्ति, क्या दे रखा है कटु प्लस उक्ति, तो कटु से आप समझते हैं कटु का मतलब होता है कड़वा या खारा, ऐसी बात जो अच्छी नहीं लगे, और उक्ति का मतलब होता है कोई बात या कथन। तो कटु में आप देख सकते हैं छोटा हुआ है, यहाँ भी छोटा हुआ है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, शायद ये मैंने गलत लिख दिया, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा कटुक्ति यानी बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी। अगला दे रखा है वधु प्लस उत्सव, वधु का मतलब होता है बहु, वधु प्लस उत्सव, तो वधु में बड़े ऊ की मात्रा है या छोटा हुआ है और दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं बड़ा ऊ बन जाते हैं, तो ये हो जाता है वधु यानी कि बड़ा ऊ बन गया, और बड़े ऊ के बाद में ये ऊ उसके साथ में जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद जो पीछे शब्द बचा हुआ है इसमें जुड़ जाएगा, शब्द हो जाएगा वधुत्सव, क्या हो जाएगा वधुत्सव। अगला उदाहरण हमने लिया है भू, भू का मतलब होता है धरती, भू का मतलब क्या होता है धरती, और उधर का मतलब होता है चारों ओर घूमना, तो भू उधर, क्या दे रखा है शब्द भू उधर, तो इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ छोटे ऊ की मात्रा, सॉरी बड़े ऊ की मात्रा है और यहाँ छोटे ऊ की मात्रा है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा बड़ा ऊ, तो हो जाएगा भूधर, क्या हो जाएगा भूधर। ये इस तरीके से कुछ ऊ और ऊ के बाद में आने वाले उदाहरण थे। अगला जो लास्ट दीर्घ संधि का है स्वर संधि का वो है री के बाद में री का आना, दोनों री का लगातार आना, एक री के बाद में दूसरी, क्योंकि हम जो संधि पढ़ने जा रहे हैं दीर्घ स्वर संधि उसमें ये होता है सजातीय स्वर आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ री के बाद में री का आना, तो इसके कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं होत्री, क्या दे रखा है यहाँ होत्री, होत्री के बाद रिकार, जब ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा होत्रिकार। आप यहाँ देखेंगे मैंने री, ये बड़ी री है, कैसी री है, छोटी री को ऐसे लिखते हैं और बड़ी री को ऐसे, डबल मात्रा में ना, दो बार घुमाना पड़ता है, एक बार घुमाया तो छोटी री होती है, तो ये हो गया होत्रिकार, क्या हो गया होत्रिकार। होत्र का मतलब यज्ञ से संबंधित है, तो यज्ञ में उच्चारण करने वाला व्यक्ति होता है उसको होत्रिकार कहा जाता है। अगला दे रखा है मात्र प्लस मातृ प्लस रिकार, क्या दे रखा है मातृ प्लस रिकार, तो इसका उसी तरीके से क्या हो जाएगा मातृकार, मतलब री छोटी है और आपको बड़ी करनी है, और भी कुछ करना, इसके नीचे एक राउंड और मारना है, और ज्यादा कोई मेहनत का काम इसमें नहीं है। पितृ पितृ प्लस रण, पितृ का मतलब होता है पिता और ऋण का मतलब होता है जो कर्ज ले रखा है वो, पिता का जो कर्ज होता है वो, उसको कहते हैं ये री की छोटी री की मात्रा है, इसके साथ में छोटी री जुड़ेगी तो क्या हो जाएगी बड़ी री, तो ये हो जाएगा पितृण, क्या हो जाएगा पितृण, पितृण का मतलब पिता का ऋण, यानी पिता का जो ऋण हमें चुकाना होता है ये वो हो जाएगा पितृण। तो ये इस तरीके से आपके ये थी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के बाद में जो दूसरी है वो हम अभी पढ़ेंगे, वो है गुण स्वर संधि, क्या नाम है उसका गुण स्वर संधि, यदि आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें, मैं उसको मिटा रहा हूँ। अगली संधि हम पढ़ेंगे सर, आज के लिए इतना ही काफी, आप उनको लिखना चाहें तो लिख लें, और आपसे निवेदन रहेगा कि हमारा जो ये चैनल है इसे आप अधिक से अधिक प्रसारित करें, आप जिन भी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह जो भी बड़े बड़े ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनमें लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि जो हमारी मेहनत है वो बेकार नहीं जाए, और आप लोग कोशिश करें रोज दो चार लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद,
जय हिंद जय भारत।